सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यो, नाइन्थ स्टैंडर्ड। आज करने जा रहे हैं हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 6.3, जो कि बहुत ही इजी है। अब इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक छोटी सी थियोरी डिस्कस करूंगा, ठीक है, जो वैसे तो आपको पता ही, आप पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन यार चैप्टर में है और एक्सरसाइज से पहले है तो यू नो व्हाट, मतलब फ़र्ज बनता है समझा देना, है ना। तो चलो समझा देता हूँ। बात क्या, देखो एक तो थियरी ये बताइए कि भाई ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बात, आज तक पता ही नहीं था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। तो ये एक थियरी थी। दूसरी थियरी क्या थी कि अगर आप एक साइड को आगे तक प्रोड्यूस करो, बढ़ा दो, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ना, ये जो एक्सटीरियर एंगल बनता है इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। मतलब ये और ये, इसको x बोलो, इसको y बोलो और इसको बोलो p, तो आपका p का वैल्यू x प्लस वाई से मिलेगा, ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये भी इंटीरियर एंगल है देखो, लेकिन ये वाला नहीं, इसको छोड़ के जो दूसरे हैं उन दोनों के सम के बराबर होता है ये, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है। अब देखो ये अगर ऐसा है ना कोई तो मत ले लेना, ठीक है, ठीक है, ये एकदम सीधा एक लाइन से निकला तो ये, या फिर अगर ये समझो तो ये वाला आगे तक चला गया आपका, तो ये वाला कितना होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक है, वैसे समझना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन एक्सरसाइज। पहला जो क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का बोला है फिगर 6.39। तो पहले फिगर 6.39 में बना देता हूँ, कुछ ऐसी एक लाइन बनाई हुई है यहाँ पे, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, ओहो इसको भी आगे तक खींचा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। मिटा इसको, मिटा, गंदा सा है। ये आगे तक खींच दिया और ये ऐसे खींच दिया, ओके बॉस। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, और यहाँ एंगल कितना है, 135 डिग्री ना, 135 डिग्री, देन 110 डिग्री। इधर भी कुछ है क्या, हाँ बिल्कुल है, टी है इधर, सब चीज़ें आ गई, ओके फाइन। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखा है इन फिगर 6.39, इस फिगर में साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू, क्यू पी एंड आर क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स एस एंड टी। इसको एस तक एक्सटेंड किया, इसको टी तक एक्सटेंड किया, फाइन, रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल एस पी आर इज 135, एस पी आर 135 है, एंड पी क्यू टी इज 110, पी क्यू टी इज 110, फाइंड एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, ये बहुत इजी है, देखो ये दोनों लीनियर पैर है क्या, ये दोनों लीनियर पैर है क्या, है ना, तो ये 135 है तो ये लीनियर पैर के हिसाब से कितना आएगा, 45 आएगा, है ना, 180 माइनस 135, 35, 45, 55, 65, 75 है, आएगा राइट, और ये कितना आएगा, 70 आएगा। ये दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दोगे, तीसरा एंगल मिल जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, पक्का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यार क्या ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, है ना, हो गया इजिली, ओके। तो अपन लिख लेते हैं, उसको लिखना भी तो पड़ेगा अपन को, तो लिखेंगे अपन एंगल एस पी आर प्लस एंगल, देखो एस पी आर और एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, ठीक है। अब एस पी आर 135 डिग्री है, क्यू पी आर कितना है हमारा, क्यू पी आर हमको फाइंड ही तो करना है, इक्वल टू 180, तो यहाँ से एंगल क्यू पी आर आपको मिल जाएगा कितना, ये 135 वहाँ जाके मान जाएगा तो कितना मिलेगा, 45 डिग्री, जो मैंने यहाँ पर आपको रफ में करके बता दिया था। अब अपन निकालेंगे कौन सा, ये वाला, तो ये कैसे मिलेगा अपन को, देखो पी क्यू टी और पी क्यू आर दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180। अच्छा सबका रीज़न लिखना, लीनियर पेयर एंगल्स, यहाँ भी लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। अच्छा पी क्यू टी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 110 प्लस एंगल पी क्यू आर दैट इज इक्वल टू 180, तो आपका एंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा भाई, ये 110 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा क्या, पक्का, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, इतना बड़ा मैथ्स और एक गजब 70 डिग्री, यार आ गया आज तो, मतलब मैंने ना रामानुजन को भी मतलब एकदम टक्कर दे दी, है ना, 180 में से 110 माइनस करके ला दिया। अब ये दोनों मिल गए, तो ये मिल जाएगा कैसे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर लिख दो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सब कुछ है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
ऐसा है कि सब कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोग ना प्रेजेंटेशन ढूंढते हैं, अच्छे से लिखोगे तो सामने वाला खुश होता है, तो कहीं मार्क्स वार्क्स काटता नहीं है, कोशिश करता है कि ना ही काटा जाए, फुल मार्क्स दे दिया जाए। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180, पी 45 है, क्यू 70 है, आर चाहिए इक्वल्स टू 180, ये दोनों प्लस होकर कितना आएगा, 7 प्लस 4 कितना 11 प्लस 5 है ना, 115 प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180, तो एंगल आर मिल जाएगा आपको कितना, 18 माइनस 115 यानी कितना आएगा, कितना आएगा 65, राइट 165 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे, सो इजी ना। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, तू आ कर दे तुझे उड़न छू इन फिगर 6.40। चलो भाई फिगर फिर से बनाओ। तो ऐसा कुछ ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड, और इसमें कुछ ऐसा ऐसा बना दिया है, यहाँ है 62 डिग्री, ये है पूरा 54 डिग्री, और यहाँ है ओ। ओके अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला इन फिगर 6.40 यानी कि इस वाले फिगर में एक्स है 62 डिग्री, एक्स वाई जेड है 54 डिग्री यानी ये पूरा वाला 54 डिग्री है, वाई ओ एंड जेड ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई, मतलब ये वाई ओ जो है इस वाले एंगल का, ये एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है, और जेड ओ जो है इस जेड एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब जितना ये वैल्यू होगा ना, कितना ये वाला, उतना ही आपका ये वाला वैल्यू होगा, और जितना यहाँ पर ये वाला होगा ना, ये वाला एक्स वाई ओ, उतना ही आपका ओ वाई जेड भी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऐसा बोला है। फाइंड ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड, व्हाट इज ओ जेड वाई, वेयर इट इज ओ जेड वाई, राइट, ये वाला हमको पता करना है, और क्या पता करना है हमको, वाई ओ जेड ये भी पता करना है। कैसे करेंगे यार, ये तो मतलब एक चीज देखो, ये वाला तो आसानी से मिल जाएगा क्योंकि ये पूरा 54 है और आपको पता है कि ये बाइसेक्टर है, तो ये वाला हिस्सा जो है 54 का आधा होगा यानी 27 हो जाएगा, राइट। वैसे ये भी हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको ये पूरा चाहिए रहेगा, है ना, तो ये पूरा कैसे मिलेगा आपको, ट्राइंगल में एक एंगल, ये पूरा एंगल और ये तीसरा एंगल, तीनों मिलाकर 180 होना चाहिए, ये दिया है ये दिया है, नहीं मिल जाएगा, तो पहले वो निकालते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं पहले इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना आएगा, 180 आएगा, उसमें से एक्स है आपका 62 डिग्री, वाई है आपका 54 डिग्री, जेड चाहिए आपको, तो ये 62 प्लस 54 कितना होगा, 6 एंड 6 प्लस 5 11, तो एंगल जेड हो जाएगा कितना, 180 माइनस 116 हो, तो 4 होता है 120 और 60 यानी कि 64 डिग्री आएगा ये, तो ये पूरा आपका, ये पूरा मिल गया आपको 64 डिग्री, तो ये उसका आधा होगा ना, है ना, तो वो भी लिख देते हैं अपन। देखो एंगल एक्स ओ वाई जेड, सॉरी एंगल ओ वाई जेड इज हाफ ऑफ एंगल वाई, लिख दूं चलेगा, ओ वाई जेड जो है इस पूरे एंगल का हाफ है, तो एक्स वाई जेड लिखो पूरा, चलो इज हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, तो हाफ ऑफ एंगल एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना था, 54 था ना, ये एक्स वाई जेड को ही मैंने वाई लिखा, एक ही बात है, 54 है, कट गया कितना आएगा, 27 आएगा, तो एंगल ओ वाई जेड है आपका कितना, 27। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले की, तो ओ जेड वाई आपको कैसे मिल जाएगा, वाई ओ जेड निकालना है, ओ जेड वाई निकालना है, एक ही बात है, लेकिन जिस तरह से लिखा है उस तरह से लिख देंगे, वाई ओ जेड बोला है, तो मैं वाई ओ सॉरी हाँ ये वाई ओ जेड तो ये है ना, ओ जेड वाई बोला है, ठीक है चलेगा। तो देखो ये ओ जेड वाई आपको कैसे मिलेगा, एंगल ओ जेड वाई इज हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, नहीं नहीं समझ में आया, ये एक्स जेड वाई ये पूरे का ये डिवाइड कर देता है ना, तो ये वाला जो है ओ जेड वाई ये इस पूरे का हाफ है ना, तो वही लिख दे मैंने हाफ ऑफ एक्स जेड वाई, तो हाफ ऑफ एक्स जेड वाई कितना आया था आपका, 64 आया था, तो कट के कितना आएगा, 32 आएगा, तो एंगल ओ जेड वाई मिल गया आपको 32, तो ये आ गया 32, और ये कितना आया था ओ वाई जेड वाला, 27। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए, ये वाला चाहिए ना, तो देखो ट्रायंगल उठा लेंगे अपन, कौन सा
इंट्राइंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, ठीक है। एंगल ये वाला, एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है। वैसे चाहो तो आप खाली एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड भी लिख सकते थे, ठीक है, और फिर लास्ट में वाई जेड, ओ को एंगल एंगल वाई जेड बोल के लिख सकते थे, चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वाई ओ जेड की वैल्यू कितनी है, मैंने निकाली थी वाई ओ जेड चाहिए, अच्छा ये तो फाइंड करना है। ओ वाई जेड की निकाली है ना, ओ वाई जेड कितना है 27 है, और ओ जेड वाई कितना है 32 है, तो ये कितना होगा एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू 27 प्लस 32 कितना होगा 7 प्लस 2 9 और 2 प्लस 3 5 59 और ये हो गया 180। तो एंगल वाई ओ जेड हो जाएगा आपका 180 माइनस 59 है ना, 10 माइनस 9 1 7 माइनस 5 2 121 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 121 डिग्री, हो गया काम। चलें अगले क्वेश्चन पे। इजी है, सारे क्वेश्चंस इजी हैं, पूरी एक्सरसाइज इजी है, वैसे देखा तो पूरा चैप्टर ही इजी है, पर हाँ इस चैप्टर से ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ थोड़ा ना प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार दिमाग घूम जाता है। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन थर्ड बोला है कि इन फिगर 6.41, चलो भाई फिर से फिगर बनाओ। इन लोगों को मेरे से ड्राइंग बनवाना इतना अच्छा लगता है ना, बार बार बनवाते हैं। चलो ये हो गया, और फिर ये कुछ ऐसे जाके यहाँ जुड़ गया, ये नाम दिया हमने इसको क्या ए, ये हमारा बी, ये है हमारा सी, ये है हमारा डी, और ये है हमारा ई। ये है कितना 53 डिग्री, ये है हमारा 35 डिग्री, ठीक है, ओके। अब फिगर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर 6.41 में, यानी इस फिगर में ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ये दोनों पहले से पैरेलल है। चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है भाई, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ठीक है। फिर क्या बोला है कि बी ए सी इज 35, फिर इस बी ए सी, बी ए सी इज 35, फाइन। सी डी ई इज 53, सी डी ई इज 53, ओके ग्रेट। एंड डी सी ई फाइंड करना है आपको, वेर इज डी सी ई, डी सी ई, ओके। तो अब अपन डी सी ई कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये देखो जेड एंगल बन रहा है क्या, बी ए ई और ए ई डी है ना, बी ए ई और ए ई डी, ये जेड एंगल्स बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स, और पैरेलल लाइन से जो अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। तो अपन लिख देंगे एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल ए ई डी, क्या लिखोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बी ए ई की आपके पास वैल्यू है 35, तो आपको ए ई डी मिल गया 35, ये मिल गया 35, ठीक है, इधर इधर लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं अपन, इसका ये एंगल चाहिए ना अपन को, तो ये ट्राइंगल में आ रहा है ना, तो इन ट्राइंगल सी डी ई, ठीक है, एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। उसमें से ये दो है आपके पास, सी डी ई की वैल्यू है आपके पास कितनी 53 है, डी सी ई आपको चाहिए, सी ई डी है आपके पास 35, दैट इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी सी ई ये दोनों तो प्लस हो जाएगा ना, 53 और 35 कितना होगा 88 हो जाएगा क्या, 538 तो एंगल डी सी ई यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल डी सी ई कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 88, तो 180 में से 80 माइनस कर दोगे तो 100, और 8 माइनस कर दोगे तो 92, हो गया काम आपका। चले आगे क्वेश्चन पे, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एकदम हल्लू हल्लू से, लल्लू लल्लू से क्वेश्चन है, ऐसे ही कर दे रहे हैं अपन तो, चुटकी बजा के, चुटकी बजा के। अरे भाई रुक जा तू। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इन फिगर 6.42 इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस, चलो तो पहले भाई फिगर बनाना पड़ेगा, तो एक ऐसी सीधी सी लाइन है, फिर एक ऐसी लाइन है, ये यूं आ रहा है और ये थोड़ा सा यूं जा रहा है, पी क्यू आर एस
ये है 95 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये है 75 डिग्री, ठीक है, यहाँ टी है। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरा क्या ऊपर दो पार्ट्स में आ रहा है। इन फिगर 6.42 यानी इस फिगर में लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, पी क्यू और आर एस टी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ग्रेट, सच डेट पी आर टी इज 40, वेर इज पी आर टी, पी आर टी इज 40, ग्रेट, ओके, कोई इशू नहीं है अपने को, आर पी टी इज 95, वेर इज आर पी टी, हियर इट इज आर पी टी इज 95, देन टी एस क्यू इज 75, ओके ग्रेट, टी एस क्यू इज ऑल्सो 75, वॉट अबाउट एस क्यू टी, विल हैव टू फाइंड एस क्यू टी, वेर इट इज, हियर इट इज एस क्यू टी, ये आपको फाइंड करना है। बहुत से तरीके हैं यार, बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं, मतलब एक तो क्या तरीका है, देखो मैं क्या करूँ कि देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है ना, तो ये प्लस ये प्लस ये मिलाकर 180 होना चाहिए, है ना, तो ये दो तो दिया हुआ था आपको, ये वाला मिल जाएगा, फिर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितना ही आएगा उतना ही आएगा, अभी इस ट्राइंगल में दो एंगल मिल गए तो ये भी मिल जाएगा, यार एकदम हल्लू सा क्वेश्चन है। चलो करते हैं, तो इन ट्राइंगल पी आर टी, मेरा नाम आ गया है, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर प्लस एंगल आर पी टी कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, इसमें से पी आर टी है आपके पास कितना, 40, पी टी आर नहीं है आपके पास, ये फाइंड करना है आपको, और आर पी टी है आपके पास कितना, 95, दैट इज इक्वल टू 180, है ना, आर पी टी है, अच्छा तो पी टी आर चाहिए, ये दोनों सम हो जाएंगे तो 9 प्लस 4 कितना होता है 13, और प्लस 5 135, तो एंगल पी टी आर होगा हमारा 180 माइनस 135 यानी के 35 35 70 यानी के 45 आएगा, तो पी टी आर आ गया 45, तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, देयरफॉर अपन लिख देंगे एंगल क्यू टी एस इज ऑल्सो 45, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्यू टी एस भी 45 हो गया, फिर से इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, यही क्यू टी एस, एंगल क्यू टी एस प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी या टी क्यू एस, जो बोलो एक ही बात है, एक ही मतलब होता है, 180 होता है, तो एस क्यू टी एस आपके पास 45 है, टी एस क्यू आपके पास 75 है, और क्यू टी एस नहीं सॉरी टी क्यू एस आपको चाहिए, ओके टी क्यू एस आपको चाहिए, तो ये 45 प्लस 75 कितना होगा, 7 प्लस 4 11 यानी 110, और 5 प्लस 5 10 और, तो 120 प्लस एंगल टी क्यू एस, तो एंगल टी क्यू एस हो जाएगा आपका कितना, ये 121 जाकर माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 60, हो गया काम। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, इतना इजी इजी क्वेश्चन तो क्यों देते हैं ये लोग यार। क्वेश्चन नंबर 5, चलो भाई 5 आ जाओ, फिगर 6.43 यानी फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, अरे भाई फिगर ही बनवा दो तुम मेरे से, ये कुछ ऐसा और ये कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ यूं, और ये ऐसा, नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर एस, और यहाँ पर है हमारा टी, ठीक है ना, ये 90 डिग्री बनाया भाई, इसको वाई बोला है, इसको एक्स बोला है, इसको 28 डिग्री दिया है, और इसको 65 डिग्री बोला है, ओके। अब पढ़ते हैं प्रश्न, लिखा है इन फिगर 6.43 पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, यानी ये पी क्यू और ये पी एस परपेंडिकुलर, देखो 90 डिग्री बनाया है, ओके, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, और पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है, अब उस हिसाब से देखा जाए तो देखो ये दोनों पैरेलल हैं, और ये भाई इसके परपेंडिकुलर, तो ये भाई इसके भी परपेंडिकुलर ही होंगे, ये समझ ही लेना, ठीक है, यानी ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री ही होगा, अगर दो लाइन पैरेलल हैं और कोई तीसरी लाइन एक के परपेंडिकुलर से दूसरे के भी परपेंडिकुलर ही होगी डेफिनेटली, ठीक है,
अब क्या बोला इसमें कि हमको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। वेर इज एक्स, वेर इज वाई? ओहो, कैसे निकलेगा बोलो, कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा? अरे देखो एक बात मेरे को समझ में आया। क्या समझ में आया? देखो ये वाला ट्राइंगल चुनो तो कलर कर दूं। देखो ये वाला देखा कौन सा वाला, क्यू एस आर है ना। क्यू एस आर के लिए देखो क्यू आर टी जो है एक्सटीरियर एंगल है, देख रहे हो, क्यू आर टी एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो वो लिख रहा हूं मैं, क्यों लिख रहा हूं देखो, अभी समझ में आ जाएगा। इन ट्राइंगल क्यू एस आर एंगल क्यू आर टी इज एक्सटीरियर एंगल, तो उससे क्या होगा आपका एंगल क्यू आर टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये क्यू आर टी एक्सटीरियर है ना, तो क्यू आर टी की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये प्लस ये से मिलेगी है ना, यानी कि एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू एस आर मिलाकर आपका क्यू आर टी होगा। लेकिन क्यू आर टी की वैल्यू है आपके पास 65, एस क्यू आर की भी वैल्यू है आपके पास 28, तो यहाँ से आपको एंगल क्यू एस आर मिल जाएगा, राइट। कैसे, ये 28 जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल क्यू एस आर हो जाएगा आपका कितना, 65 माइनस 28, 15 माइनस 8 इज 7 एंड 5 माइनस 2 इज 3, तो 37 डिग्री आ गया आपका एंगल क्यू एस आर, ठीक है। तो ये मिल गया 37। अब समझ में आया, ये 90 डिग्री था तो इसी में ये मिल जाएगा ना, वाई की वैल्यू मिल गई, समझ में आया, इसलिए मैंने निकाला था। एंगल पी एस आर इज 90 डिग्री, ठीक है, क्यों, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सॉरी एंड पी एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयर फॉर दिस इम्प्लाइज पी एस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू एस आर, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो है इसके भी परपेंडिकुलर है ना, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल वाले के भी परपेंडिकुलर होगा, तो वही लिख दिया पी एस इज परपेंडिकुलर टू एस आर, यानी कि ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो पी एस आर में क्या क्या है आपका, ये पी एस आर में क्या क्या रहा है, वाई आ रहा है और 37 आ रहा है, तो वाई प्लस 37 हो जा रहा है आपका कितना, 90। तो आपको यहाँ से वाई मिल जाएगा कितना, 90 माइनस 37, तो 90 माइनस 37 कितना होगा, 10 माइनस 7 इज 3 एंड 8 माइनस 3 इज 5, 53 मिल गया आपको ये वाई का वैल्यू है ना। और ये देखो x की वैल्यू आप निकालने की जरूरत है क्या, अब निकाल सकते हो एक तरीके से, देखो ये 90 ये 53 दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दोगे तो मिल जाएगा इस ट्राइंगल के हिसाब से है ना। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, 180 होता है। तो देखो ये दोनों मिल ही गया आपको, ये 90 है ये है पता ही है, दोनों को जोड़ो और 180 से माइनस कर दो ये मिल जाएगा। और उतनी मेहनत नहीं करनी है, तो एक और शॉर्ट तरीका है, देखो ये और ये पैरेलल है और ये देखो जेड एंगल बन रहा है, जेड एंगल बन रहा है, जितना ये है उतना ये होगा है ना। तो मैं कहाँ लिखूँ उसको, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल पी क्यू एस यानी कि एक्स, यही तो एक्स है आपका, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसके बराबर है, 37 के बराबर है, तो एक्स की 37 हो गया आपका एक्स और वाई दोनों, ठीक है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। डरने का नहीं मैथ्स से ना बच्चों, डरने का नहीं, मैथ्स ऐसा चीज है ना कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखोगे ना तो अपने आप समझ में आएगा और दिमाग भी लगेगा, डर जाओगे ना तो दिमाग लगेगा ही नहीं, तो कभी भी मैथ्स से डरने का नहीं, ठीक है, एक चीज दिमाग में बिठा दो। अब है क्वेश्चन नंबर 6 की बारी, फिर से फिगर 6.44, चलो फिगर फिर से बना लेते हैं अपन। पहले तो यूं यूं और यूं, फिर ये और ये ऐसा दिया है, ठीक है भाई बना दिया, कोई बात नहीं, नाम दे दो भाई, पी क्यू आर एस और ये हमारा टी। चलो अब पढ़ते हैं, इन फिगर 6.44 द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पहले पी क्यू आर ट्राइंगल का साइड क्यू आर जो है कहाँ गया, इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट एस, इसको आगे एक्सटेंड करके एस तक ले गए हैं, ओके। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर का बाइसेक्टर एंड एंगल पी आर एस और पी आर एस का भी बाइसेक्टर, ये वाला ठीक है, मीट एट पॉइंट टी, मतलब ये जो क्यू टी है वो इस वाले एंगल का, पी क्यू आर बोलो या पी क्यू एस बोलो, इस एंगल का बाइसेक्टर है ये क्यू टी वाला, और जो टी आर है वो इस वाले एंगल का यानी पी आर एस का बाइसेक्टर है।
अब अपन को प्रूव क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है ना, प्रूव करना है अपन को QTR, एंगल QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR, मतलब ये वाला इसके हाफ है, ये प्रूफ करना है। ओके ये थोड़ा सा ऐसा है ना कि बच्चे ना ऑलमोस्ट 60-70% तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर दिमाग में घूम जाता है कि अरे यार क्या करना है, 60-70% तक खुद कर लेते हैं, उसका फिर घूम जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक सिंपल सा स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसी स्ट्रेटजी से चलना है अपने को, ठीक है, अपन कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर है। तो देखो क्या करना है, अपन को यहाँ पर कोई दूसरा डेटा नहीं है, अपन को इन दोनों का रिलेशन निकालना है, ठीक है। अपन को बस इतना बताया कि ये जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है और ये जो है इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे पता है, अपन सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल उठा लेते हैं, ये वाला कौन सा एंगल, PRS, ठीक है। तो लिखेंगे मैं एंगल PRS इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR, PQR के लिए PRS जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। तो PRS की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको, एंगल PRS इज इक्वल्स टू, ये PRS की वैल्यू कैसे मिलेगी, दो अपोजिट इंटर एंगल्स का सम, यानी कि एंगल QPR प्लस एंगल PQR, ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन वन, ठीक है। तो पहले देखो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले ये ट्राइंगल चुना, ये वाला, ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए ये एक्सटीरियर एंगल था ये, ठीक है। तो इसका सम कैसे मिल गया, ये एंगल और ये एंगल के सम से, कौन सा एंगल QPR और एंगल PQR, इन दोनों के सम से, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन वन। अब मैं ये वाला एंगल ट्राइंगल चुनूंगा, कौन सा, दूसरा वाला TQR वाला, ठीक है, TQR वाले के लिए देखो, तो ये TQR का साइड यहां पे मतलब ये वाला एक्सटीरियर एंगल होगा राइट, उसके लिए ये वाला, ये इतना TRS है ना, तो उसके लिए भी लिख दो एंगल TRS इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल TQR, ठीक है, TQR का एक्सटीरियर एंगल हो गया वो। तो TRS की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, एंगल TRS इक्वल्स टू, ये TRS की वैल्यू कैसे मिलेगी, ये दोनों का सम से, यानी कि एंगल TQR प्लस एंगल QTR, ठीक है, अरे ऐसे समझ लो ना इसको, ऐसे ऐसे है, ये T है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, इन दोनों के सम से, QTR और TQR के सम से, QTR और TQR के सम से, समझ में आ गया। जब ऐसा कंफ्यूजन लगे तो डायग्राम अलग कर लेने का, बाहर निकाल लेने का एक और फिर कर लेने का, ये हो गया हमारा इक्वेशन टू। अब देखो ये इक्वेशन तो आपने सही सही लिखी है, अब आपको लाना क्या है वो देखो, आपको लाना ये है QTR रखना है और QPR रखना है, ये तो होना चाहिए, बाकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कहाँ है QTR, ये रहा QTR, और दूसरा क्या है QPR, कहाँ है QPR, ये बस आपको ये दो की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देखो ये 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 और ये चार चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इनको यहाँ से उड़ाना है, ठीक है, अपन को सिर्फ ये दो चीज़ चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, अपन इनके लिए रिलेशन ढूंढेंगे कुछ, कि कुछ करके इनको अलग कर दिया जाए, और यही रिलेशन हमको ये बाइसेक्टर्स देंगे। अब देखो मैं PRS की बात करूँ, अगर PRS कहाँ है, ये PRS है ना, PRS है, इसको मैं ये दो एंगल का सम है ना, ये बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर था ना, ये प्लस ये मिलाकर ही तो PRS है आपका, है ना, और ये दोनों इक्वल भी हैं, है ना। तो मैं PRS को TRS का डबल नहीं लिख सकता क्या, हाँ एंगल PRS जो है मेरा ये TRS के डबल है, ठीक है, तो जहां PRS है मैं वहां एंगल टू टाइम्स TRS लिख देता हूं, ठीक है। तो वन इंप्लाइज टू एंगल TRS, जहां PRS था मैंने वहां लिख दिया एंगल TRS, ठीक है, दो बार, क्योंकि ये PRS जो है वो इस TRS के डबल है, ठीक है, और देखो तो PRT के भी डबल है, मैं PRT का भी डबल लिख सकता, लेकिन मैंने TRS का क्यों लिखा, क्योंकि इस ऊपर देखो इसमें TRS का रिलेशन है, तो इसमें भी TRS का रिलेशन डाल दिया मैंने, ठीक है, जिससे काम हो वो करने का, क्लियर है। तो PRS की जगह टू टाइम्स TRS डाल दिया, ओके। QPR देखते हैं, ये रहा QPR, QPR तो चाहिए भी ना अपन को, रखना है, ओके। PQR का कुछ करना पड़ेगा, वेयर इज PQR, PQR, तो ये PQR भी देखो इसका भी एक बाइसेक्टर बन रहा है ना, तो PQR को मैं TQR का डबल लिख सकता हूँ क्या, देखो TQR जो है वो आधा एंगल है PQR का, और दोनों सेम है, तो मैं PQR की जगह पे टू टाइम्स TQR लिख देता हूँ,
तो जहाँ QPR, सॉरी QPR वैसे ही रहेगा, एंगल QPR, जहाँ PQR है मैं वहाँ लिख देता हूँ टू टाइम्स ऑफ एंगल TQR। फिर से क्यों TQR लिखा, मैं चाहता तो PQT भी लिख सकता था, लेकिन PQT क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें देखो सेकंड वाले इक्वेशन में PQT नहीं है, PQR ही है। तो रिश्ता बनाना है तो सेम सेम करना पड़ेगा, इसलिए TQR के लिए PQR को भी TQR के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब क्या करो, देखो यहां पर TRS की वैल्यू है आपके पास सेकंड इक्वेशन में, है ना, यहां भी TRS आ गया है। मैंने रिलेशन इसलिए निकाला था कि काट पीट कर सकूं, तो जो TRS की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में है ना वो यहां पर डाल दो, ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यू यहां डाल दो, तो टू टाइम्स एंगल TRS, और TRS की वैल्यू क्या है आपकी, एंगल TQR प्लस एंगल QTR, तो टू TRS की जगह पर ये आ गया पूरा, है ना, और ये ऐसे ही रखेंगे अपन, एंगल QPR प्लस टू टाइम्स एंगल TQR। चलो डायग्राम मिटा दो थोड़ा, मैं साइड में जगह चाहिए अपने को। तो देखो इसको फर्दर सॉल्व करें अपन, तो कितना आएगा ये, टू टाइम्स एंगल TQR प्लस टू टाइम्स एंगल QTR इज इक्वल टू एंगल QPR प्लस टू टाइम्स एंगल TQR, ठीक है। तो देखो ये भी टू टाइम्स एंगल TQR और यहाँ पे एंगल टू टाइम्स TQR, ये जाके वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, टू टाइम्स एंगल QTR इक्वल्स टू एंगल QPR, तो यहाँ से एंगल QTR जो है इज हाफ ऑफ एंगल QPR हो जाएगा, हो गया आपका काम, समझ में आया, यही लगाना था QTR इज हाफ ऑफ QPR, QTR इज हाफ ऑफ QPR, समझ में आया। तो एक बार फिर से समराइज करें अपन, समराइज करें तो अपन क्या करेंगे, सिंपल जो डायग्राम था अपना कुछ ऐसा था, रुक जाओ मैं थोड़ा रफ में बना दूँ, ठीक है ऐसा था। तो पहले देखो इसके लिए अपन ने क्या लिखा, ये दो का सम, फिर इस वाले के लिए ये दो का सम, है ना, दोनों एक्सटीरियर एंगल उठा लिए, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल और फिर दूसरे वाले ट्राइंगल का भी एक्सटीरियर एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल और इसका भी एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो वो जैसे मिला वो लिख लिया अपन ने, तो ये दो इक्वेशन मिली थी अपन को वहाँ से। फिर इलिमिनेट करने के लिए अपन ने क्या किया, बाइसेक्टर्स का सहारा लिया, ये जो एंगल था इसको टू टाइम्स ऑफ ये लिख दिया, इसके टू टाइम्स, इस वाले एंगल के टू टाइम्स लिख दिया इसको, और ये वाला पूरा एंगल जो था वो इसके टू टाइम्स लिख दिया, ठीक है। फिर वो यहाँ की वैल्यू उठा के ऊपर वाले में डाल दी, मतलब सेकंड की वैल्यू हमने थर्ड में डाल दी, ठीक है, सेकंड की वैल्यू थी थर्ड में डाल दी, सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर, क्लियर है। तो लास्ट क्वेश्चन था, ओके लास्ट क्वेश्चन है, तो बस ये एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है, नया टॉपिक लेके नए वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द, तो तब तक करते रहो मन लगा के पढ़ाई, टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।